मूल मंगलमय संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर की एक साखी है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुना आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य की विशेषता किसमें है? सदगुरु कबीर कहते हैं मनुष्य की विशेषता गुणों में है। मनुष्य शरीर पा जाने मात्र से कोई विशेषता नहीं है। आहार निद्रा भय में धुनंच, सामान्य में तत्पश भी नाराण, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। नीतिकारों ने कहा है आहार भोजन खाना, निद्रा सोना, मैथुन बाल बच्चे पैदा कर लेना, इसमें तो मनुष्य और पशु दोनों एक समान है। मनुष्य की विशेषता किसमें है? धर्म में। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो मनुष्य भी पशु से ज्यादा नहीं है। धर्म क्या है? ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय है, मत मजहब है, समाज है। कुछ लोग एक परिपाटी से, एक नियम से, एक संस्कार से चलते हैं, किसी महापुरुष को केंद्र में रखकर उसकी उपासना करते हैं, उसके ग्रंथों के आधार पर जीवन यापन करते हैं, एक सरणी में जीते हैं, तो एक परंपरा बन गई, कालांतर में उसको धर्म कह दिया गया। तो ये धर्म नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन सिख पारसी या अन्य और, ये सब धर्म नहीं, परिपाटी मत मजहब है। धर्म क्या है? ऐसे काम करना जिसमें हमारा जीवन सुखी हो, हम कल्याण की तरफ बढ़ें और हमारे द्वारा दूसरों को भी सुख मिले, सुविधा मिले, यह धर्म है। यदि हमारे मन वाणी कर्मों से दूसरों को तकलीफ मिलती है, दूसरों को असुविधा मिलती है, दूसरों को कष्ट होता है, तो हम अधर्म कर रहे हैं। हम स्वयं पीड़ा नहीं चाहते, हम स्वयं अपना अपमान नहीं चाहते, हम अपना नुकसान नहीं चाहते। इसी प्रकार आप सबको समझ लो, दुनिया में किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को पीड़ा पसंद नहीं है, किसी को अपना अपमान और नुकसान पसंद नहीं है। फिर भी यदि हम किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो हम अधर्म कर रहे हैं। भले हम पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मंदिर जाना, वहां जाकर पूजा कर लेना, मस्जिद जाना, वहां जाकर नमाज पढ़ लेना, कुछ और क्रियाकलाप कर लेना, ये धर्म नहीं है, ये तो कर्मकांड है। कर्मकांड का भी अपना एक महत्व तो है कि इससे एक सामान्य लोगों को आधार मिलता है, भटकते मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन इतने में रुक गए तो जीवन का विकास नहीं होगा। धर्म क्या है?
बस इतना समझ लें, हम स्वयं सुखी रहें, कल्याण की तरफ बढ़ें और दूसरों को भी सुख पहुंचाने का प्रयास करें। यदि आदमी ऐसा नहीं कर सकता तो जानवर से भी गया पीता है। जानवर का मांस काम आ जाता है, आदमी खा लेते हैं। जानवर का चाम बाजा बना लेता है आदमी, जूता बना लेता है, चप्पल बना लेता है। जानवरों के हड्डी के अनेक प्रकार गहने बना लेते हैं और तमाम चीजें बना लेते हैं, लेकिन आदमी का न मांस काम आता है, न चाम काम आता है, न हड्डी काम आती है, कुछ नहीं। शरीर की दृष्टि से आदमी की विशेषता नहीं है, शरीर की दृष्टि से तो जानवरों की विशेषता है। देखें, छोटा सा प्राणी है चींटी, उसको सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र है कि कहीं एक दाना चीनी गिर गई, घी का या तेल का एक बूंद गिर गया, कहीं थोड़ी सी मिठाई गिर गई, चींटियां कहां रहती है, सूंघ लेती है और चींटियों की लाइन लग जाती है। उनके सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र है। क्या आदमी इतनी तीव्रता से सूंघ सकता है? पक्षी जैसे निराधार आकाश में उड़ लेता है, बैठा है पक्षी, बस वह फर से उड़ गया, क्या आदमी ऐसे आकाश में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। चील गिद्ध बहुत दूर से देख लेते हैं, चील उड़ती है एकदम आकाश में, बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, लेकिन वहीं से जमीन पर पड़े हुए मुर्दे को देख लेती है। आदमी क्या इतनी दूरी से देख सकता है? घोड़ा गधा खच्चर जैसा बोझा ढो सकता है, बोझा लेकर के दौड़ सकता है, क्या आदमी ऐसा बोझा लेकर के चल सकता है और दौड़ सकता है? हिरन जितनी तेजी से छलांग लगाते हुए दौड़ता है, चीता तेंदुआ जितनी तेजी से दौड़ते हैं, क्या उतनी तेजी से आदमी दौड़ सकता है? तो आदमी इंद्रियों की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से इसकी कोई विशेषता नहीं है। शरीर भी कितना बड़ा है आदमी का, 3.5 हाथ का शरीर, हाथी कितना बड़ा होता है शरीर की दृष्टि से देखो तो, एक हाथी कई कई आदमियों के बराबर। वर्तमान में जमीन पर चलने वाले प्राणियों में हाथी सबसे बड़ा जानवर है। वैसे दुनिया में इसमें सबसे बड़ा जानवर है मछली। अभी वर्तमान में हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी है मछली। 100-100 फीट की मछली होती है, समुद्री मछली, व्हेल मछली 100-100 फीट लंबी होती है, 18 फीट 20 फीट ऊंची होती है। आदमी शरीर दृष्टि से इतना बड़ा कहां हो सकता है? आदमी की बात गुण की विशेषता है, बुद्धि की विशेषता है। यदि अपने आदमी ने अपनी बुद्धि को और गुणों को संभाल लिया तो आदमी जैसा देवता, आदमी जैसा भगवान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यदि आदमी ने अपनी बुद्धि को संभाला नहीं, अपने गुणों को संभाला नहीं, अपने कर्मों को संभाला नहीं, तो आदमी जैसा शैतान आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान भी आदमी में मिल सकते हैं और शैतान भी आदमी में मिल सकते हैं। दृष्टि जैसी होती है वैसे जीवन का निर्माण होता है। तो आदमी की विशेषता शरीर की दृष्टि से नहीं है,
आदमी की विशेषता गुणों की दृष्टि से है। आदमी वैसे छोटा सा प्राणी है, लेकिन अपनी बुद्धि के कारण, अपने मन के कारण आदमी ने बड़े बड़े जानवरों को भी अपने अधिकार में कर लिया है। सिंह जैसे खूंखार प्राणी को भी आदमी अपने इशारे से नचाता है, कैद कर लेता है, सर्कस में उसे तमाशा दिखलाता है। हाथी को भी आदमी कैद कर लेता है और सवारी करता है उस पर, एक छोटे से अंकुश के द्वारा आदमी हाथी को जैसा चाहता है वैसा चलाता है और जहां चाहता है वहां ले जाता है। ये ठीक है कि आदमी पक्षी के समान निराधार आकाश में उड़ नहीं सकता, लेकिन आदमी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, मन का उपयोग किया, सोचा समझा विचारा और आदमी ने हवाई जहाज का निर्माण किया। अब अकेले ही नहीं उड़ता है आदमी, सैकड़ों सैकड़ों आदमियों को लेकर के घंटों आकाश में उड़ता रहता है और हजारों मील की यात्रा कुछ घंटों में आदमी कर लेता है। पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, भले वो निराधार आकाश में उड़ सकते, लेकिन पक्षी विमान का निर्माण नहीं कर सकता। आदमी के पास बुद्धि है, उसने उपयोग किया, हवाई जहाज का निर्माण किया और सैकड़ों लोगों को लेकर के घंटों तक आकाश में उड़ता है। मछली मेढक के समान आदमी पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन आदमी ने अपनी बुद्धि का, अपने मन का प्रयोग किया और बड़े बड़े जल जहाज बनाए और उस जल जहाज में लाखों लाखों टन सामान लेकर हजारों यात्रियों को लेकर महीनों महीनों समुद्र की यात्रा आदमी कर सकता है, समुद्र में तैरता रह सकता है। घोड़े गधे खच्चर के समान आदमी बोझा नहीं ढो सकता, तेजी से दौड़ नहीं सकता, लेकिन आदमी ने अपनी बुद्धि का, अपने मन का उपयोग किया, ट्रक का निर्माण किया, रेल का निर्माण किया। अब एक ड्राइवर एक रेल से लाखों टन सामान को बहुत तेजी से दौड़ाता हुआ कहां से कहां पहुंचा देता है। मन का विकास आदमी में जबरदस्त ढंग से हुआ है और बुद्धि का विकास है। मननात मनुष्य कहा गया है कि मनन करने के कारण इस प्राणी को मनुष्य कहा गया। आदमी शरीर प्रधान नहीं, इंद्रिय प्रधान नहीं है, आदमी मन प्रधान और बुद्धि प्रधान है, लेकिन आदमी सर्वाधिक परेशान किससे है? अपने मन से ही है। सबको सिखाया जाता है, क्या कहता है, क्या करें महाराज, मन बड़ा चंचल है, मन बस में नहीं होता, मन ठहरता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मन का दुरुपयोग किया, जो नहीं सोचना चाहिए था वैसा चिंतन किया। चिंतन से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। चिंतन सही होगा तो जीवन का सही निर्माण होगा, चिंतन गलत होगा तो जीवन का विनाश होगा और अपने साथ साथ आदमी बहुतों के विनाश का कारण बनेगा। बहुत धन है, बड़ी विद्या है, लेकिन सही चिंतन नहीं है, सही बुद्धि नहीं है, तो धन और विद्या केवल विनाश के कारण बनेंगे। और धन विद्या थोड़े ही हो, सुबुद्धि हो, तो वे
अपने उत्थान का और समाज की सेवा का कारण बने। आप सब जानते हैं इस समय पूरी दुनिया में आतंकवाद कितना फैल गया है। आतंकवादी आता है, कहीं कुछ मजदूर काम करके रात में सोए हुए हैं, बस बम छोड़ देता है या तड़ातर गोलियां चला देता है, सारे मजदूर सोए सोए बिचारे निरपराध, कोई उन्होंने गलती नहीं की है, किसी से नजर नहीं है, कमा रहे हैं खा रहे हैं, बस निरपराध मजदूरों को मार करके भाग गए। कुछ लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, आतंकवादी आया बम फेंक दिया या बंदूक किया वैसे और लिया हुआ है, मशीन गन लिया है, बतरा तो गोलियां चला दिया, पूजा कर रहे हैं वो लोग, बस सबको ढेर कर दिए। ये आतंकवादी कौन, कहीं आकाश से नहीं आया है, हमारे और आपके जैसे इंसान ही हैं, आदमी ही हैं। इनके पास बुद्धि है, इनके पास धन है, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने धन का उपयोग उन्होंने समाज सेवा में नहीं किया, समाज के विनाश में किया। आज नरक भोग रहे हैं और मरने के बाद भी अपने लिए नरक का निर्माण कर रहे हैं, क्या फायदा। एक सामान्य आदमी है, सामान्य पढ़ा लिखा है, थोड़ा ही धन है, गरीबों की सेवा करता है, अपाहिजों की सेवा करता है, लूले नगरों की सेवा करता है, भूखे को भोजन खिला देता है या अन्य प्रकार से सेवा करता है, तो आज वह सुखपूर्वक जी रहा है, स्वर्ग में जी रहा है और मरने के बाद भी उसे स्वर्ग में जाना है। प्रायः लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है कि लोग नरक में जाएंगे, वो पुण्यात्मा स्वर्ग में जाएंगे। तो मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा ये हम देख नहीं सकते, क्योंकि देखने का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन आदमी के जीवन को देख करके समझा जा सकता है कि कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। वैसे तो हमारी भारतीय परंपरा में कहने का एक रस्म है, कोई भी आदमी कसरी छूट जाता है, कहा जाता है कि अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया। पापी से पापी आदमी मरता है, चोर भी मरता, हत्यारा भी मरता, तो कहते हैं तो भी कहा जाता है अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा लगता है कहने में, कैसे कहे कि अमुक का हो गया है नरकवास हो गया, नरकवास हो गया कहना अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए परिपाटी ही कहने का कि अमुक आदमी स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग और नरक में कौन जाता है और कौन गया है जानने के लिए आदमी के जीवन को देखें। महात्मा लोग एक कहानी कहते हैं कि आदमी स्वर्ग में गया कि नरक में गया, इसको देखना चाहते हो तो दो युवक जब सेठ के पास आए तो सेठ ने कहा कि तुम दोनों तो अच्छे नंबर से पास हुए हो, लेकिन मैं नौकरी में उसे रखूंगा जो मेरी परीक्षा में पास होगा। दोनों ने कहा सेठ जी बताइए आपकी परीक्षा क्या है। तो सेठ ने कहा देखो आज हमारे गांव में दो आदमियों की मृत्यु हुई है, तुम लोग जाकर यह पता लगाओ कि इन दोनों में से कौन नरक में गया और कौन स्वर्ग में गया। सेठ की बात सुनकर एक युवक जल्दी से उठा और चला शमशान घाट की तरफ। लोग ले जा रहे थे जो मृतक आदमी था उसे दफनाने के लिए, तो सेठ एक टोली में पहुंचा और वहां तो लोगों ने पूछा भैया जो ये आदमी मर गया है ये नरक में गया है स्वर्ग में गया है। सुनने वाले आदमी को बड़ा गुस्सा आया, स्वाभाविक है कोई किसी घर मर गया हो और जाकर पूछो कि नरक में गया स्वर्ग में, गुस्सा तो आएगा या सब लोग दुखी हैं वैसे, और उल्टा सीधा प्रश्न किया जाएगा तो गुस्सा तो आएगा।
उस आदमी गुस्सा आया, कहा कि हमें क्या पता कि नरक में गया स्वर्ग में गया है, जानना चाहते हो तो मर करके देखा। उस युवक कहेगा बात सही कहते हैं कि अपने मरे ही तो पता चलेगा। आया सेठ जी के पास, कहा सेठ जी आपका प्रश्न गलत है, मुझे तो डांट पड़ गई। तो सेठ ने कहा अच्छा तुम जाओ, तुम नौकरी करने लायक नहीं हो, मेरे पास तुम्हारी नौकरी नहीं है। दूसरे युवक से कहा, वो गया एक टोली में मिल गया और वहां लोगों की बातें सुनता रहा। एक आदमी कहता है भाई कि आदमी मर गया है, लेकिन इसकी शव यात्रा में आने का मेरा मन नहीं था, मेरे चाचा थे इसलिए मैं आ गया। जब तक ये जिया मुझे सताता ही रहा। दूसरे आदमी ने कहा भाई तुम्हारे चाचा थे तो हो सकता है बंटवारा को लेकर के जमीन जायदाद लेकर कुछ झगड़ा रहा होगा इसलिए तुम्हें सताया। मैं तो पड़ोस में रहता था, कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिंदगी भर इन्होंने मुझे सताया है। तीसरे आदमी कहता भैया ये तो किसको सुख दिया है, ये तो पीड़ा पर पीड़ा देता रहा है। चौथा आदमी कहा भैया आदमी मर क्या गया, गांव का कांटा निकल गया। युवक ने लिख लिया इस आदमी का जी गया है नरक में। वहां से निकला, दूसरी टोली में गया, वहां लोगों की बात सुनता है। एक आदमी कहता है भाई इस आदमी ने जो कुछ कमाया अपने लिए खर्च नहीं किया, लोगों की भलाई में परोपकार में खर्च किया। दूसरा कहता है इसका घर तो हर समय धर्मशाला ही बना रहता था, कभी इसके घर से कोई खाली हाथ नहीं गया, कितने गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाया, कितने गरीब लड़कियों की शादी करवाया। तीसरा कहता भैया ये आदमी नहीं था देवता था। चौथा कहता है कि आदमी मर क्या गया, गांव का खंभा टूट गया, हम लोग अनाथ हो गए। युवक ने लिख लिया कि इसका जी स्वर्ग में गया। मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता न करें, मरने के पहले जीते जी हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए इसकी चिंता करें। अपने जीवन को हम स्वर्ग भी बना सकते हैं, अपने जीवन को हम नरक भी बना सकते हैं। दया क्षमा प्रेम समता एकता परोपकार सहनशीलता, यदि ये गुण हमारे जीवन में है, मिल बांट करके खाने का गुण परोपकार है जीवन में, तो हमारा जीवन आज स्वर्ग में व्यतीत हो रहा है। और ईर्षा द्वेष कलह कल्पना लड़ाई झगड़ा क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मार पीट छीना झपटी में जीवन जी रहा है, तो आज हम अपने लिए नरक में, आज हम नरक में जी रहे हैं और आगे भी नरक का निर्माण कर रहे हैं। आप किस मत को मानते हैं, किस परंपरा को मानते हैं, राम को पूजते हैं कि रहीम को पूजते हैं कि कबीर को पूजते हैं, मंदिर जाते हैं मस्जिद जाते हैं कहाँ जाते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है कि जीवन में क्या करते हैं, जो हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। खेत में गेहूं बोएंगे गेहूं की फसल होगी, धान बोएंगे धान की फसल होगी, चना बोएंगे चना फसल होगी। पाप करेंगे प्रत्यक्ष आज दुख मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। पुण्य करेंगे प्रत्यक्ष आज ही सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा। इसलिए हम अपने जीवन को संवारें सुधारें और इस जीवन को स्वर्गमय बनाएं। हम स्वयं सुख चाहते हैं, उसके लिए चाहिए औरों को सुख बांटें। अब ये इतना हर आदमी जानता है और ऐसा कर ले, इसी में हमारा जीवन बहुत कुछ सफल हो सकता है।